बोकारो में न्यायालय गरीबों के लिए मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं, जहां गरीबों को अपना केस लड़ने के लिए अधिवक्ता दिया जाता है। न्यायालय केवल लोगों को न्याय ही नहीं दिलाता, बल्कि अब न्यायालय उन गरीबों के लिए भी मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं, जिन्हें कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अधिवक्ता तक रखने के लिए पैसे नहीं है। अब जिला विधि झालसा के द्वारा उन्हें अधिवक्ता भी दिया जाता है, ताकि समाज के वैसे वर्ग के लोग जिनके पास सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को भी जिला विधि न्याय प्राधिकार द्वारा जानकारी दी जाती है। और ऐसे में संविधान दिवस के तहत लगातार चलने वाली विभिन्न कार्यक्रमों में बोकारो विधि प्राधिकार द्वारा लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है, और जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। साथ ही हमारे न्यायिक अधिकारी अपने न्याय कार्य में काफी व्यस्त होने के बावजूद भी समाज के लिए अपना कीमती समय निकाल रहे हैं, यह कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा उदाहरण है बोकारो जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमारी रंजना अस्थाना जी और बोकारो के तमाम न्यायाधीश का। प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, हमारे अधिकारी हैं, यहाँ उपस्थित समस्त विद्यालय प्यारे बच्चों, आज मुझे यहाँ आकर के इतनी खुशी हो रही है कि मेरे शब्द ही खो गए। सच बात तो ये है कि जैसे ही डायरेक्टर साहब ने बताया था कि जो हमारे पास गए निमंत्रण लेकर के, तो मुझे लगा कि इसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं, ये तो एक ढंग से हम ये बच्चों के लिए नहीं, हम तो अपने लिए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। और मुझे इन व्यवस्था उपलब्ध कराएं तथा इस प्रकार हर तरह की वो सुविधा प्रदान करें जिसमें कि ये अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सके। मुझे यह जानकर बेहद खुशी है कि बोकारो में आशा लता संस्थान द्वारा ये किया जा रहा है, और ये भी अद्भुत ही है कि बिना किसी सरकारी सहायता के केवल अपने बल पर, अपने मित्रों के बल पर ये इस कार्य का संचालन किया जा रहा है। मेरी ये सारी शुभकामनाएं आशा लता के साथ। अंत में हम बोकारो न्याय मंडल की तरफ से इन बच्चों के लिए छोटा सा उपहार लेकर के आए हैं। हम अपने केले से सेक्रेटरी को कहेंगे कि उन उपहारों को सामने रखवा दें, और हम डायरेक्टर साहब से यहाँ के संचालक मंडल से ये आग्रह करेंगे कि इन बच्चों तक हमारा ये उपहार पहुँचा दिया जाए।